बहुत मुअद्दब शख्सियत थे, बहुत सारे। वो गहराई और दानिश में बहुत बुलंद पाया थे, हम उनकी इल्म और दानिश में मिसाल नहीं ला सकते। कभी मदरसा हुज्जतिया से पता पूछते 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 अपने घर तक पहुंच जाते थे। वो एक आलिम दीन थे जो कि अपनी जगह है, लेकिन अपने फलसफी नजरियात में सबसे आगे थे। मैंने वाज़े कहा है कई बार, मेरे पास दिल वालों की मोहब्बत, मोहब्बत के दीन में इसकी इबादत इसकी मस्ती में है। आराश्तेश में मस्ती स्टार खीशे में برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन तबातबाई 1281 हिजरी शमसी को एक आलिमे दीन घराने में पैदा हुए। ये मरहूम एक आलिमो इल्म वाले खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस खानदान के तमाम बड़े लोग आम तौर पर मुमताज उलामा में से थे। ये तबातबाई सादात से हैं। सब लोग शरीयत की तबलीग किया करते थे। इनके जद्द आला मरहूम मीर अब्दुल वहाब ईरान के अजीम बुलंद पाया आलिम थे, जो कि उस्मानियों की हुकूमत में शहर इस्तांबुल में उस्मानी बादशाहों के तवसुस से कत्ल कर दिए गए। इनकी कब्र वहाँ एक सयाती इलाका दुलंबा बागीचा में आज भी मौजूद है, जो कि हर खास व आम के लिए मोहतरम व मुकद्दस है, जिससे कई एक करामात मंसूब हैं। मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन तबातबाई 1281 हिजरी शमसी को एक आलिम दीन घराने में पैदा हुए। अल्लामा तबातबाई के वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद आका एक बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन थे। इनकी बीवी मोहतरमा रबाब साहिबा यहयाबी खानदान से थी। इस खानदान के बाज लोग ताजर थे और बाज अफराद मुलाजम पेशा थे। इनकी जिंदगी बैतुल माल को मसरफ किए बगैर खेती बाड़ी से गुजर रही थी। इनकी एक ज़रई ज़मीन तबरेज के इलाके शादाबाद गांव में थी। शादाबाद 1385 इसमें बहुत से बाग और खेत थे, जिनमें आबपाशी का मुनासिब निज़ाम था। हाजी मोहम्मद आका के माशी हिसाब किताब का एक सफ़ा मेरे पास मौजूद है। मसलन एक सफ़े पर घर की बहुत सी चीज़ों की ख़रीदारी लिखी हुई है और आखिर में जब जमा की गई है तो कुल रकम 2 किरान और 4 शाही बनती है। ये इनके एक सफ़े का कुल खर्च है। मोहम्मद आका बहुत मेहमान नवाज थे। अक्सर इनका दस्तरख्वान दूसरों के लिए खुला रहता था।
कई अफराद को सालाना खर्च भी देते थे और फिर उनके घर मोहम्मद हुसैन ताबाताबाई पैदा हुए। بسم الله خیر الاسماء تولد نورچشمی میرزا محمد حسین حفظه الله تعالی و وسع فی رزقه و طول عمره در شب سه‌شنبه 4:03 تمام به ساعت غروبی از شب مذکور گذشته و کانت لیله التاسعه و العشرون من شهر ذی الحجه الحرام سنه 21 و 200 بعد عرف من الهجره النبویه سال 1321। इस वाक़े के 5 साल बाद एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद हसन था। मोहम्मद हसन की पैदाइश के कुछ अरसे के बाद इनकी वालदा बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुख्सत हो गई थी। इसके बाद इनके घर में एक नौकर और एक नौकरानी थे जिनका नाम कली और सल्तनत था। कली और सल्तनत इन बच्चों की देखभाल किया करते थे। मोहम्मद हसन की पैदाइश के 5 साल बाद इनके वालिद भी दुनिया से चले गए। पांच साल की उम्र में माँ और 9 साल की उम्र में बाप को खो दिया, लेकिन किसी हद तक हमारी माश का सिलसिला मौजूद था और बाप की वसीयत के मुताबिक हमारे सरपरस्त के जरिए हमारी देखभाल होती रही। लिहाजा मेरी और मेरे छोटे भाई की जिंदगी दगरगुन न हुई। एक खादिम और एक नौकरानी हमारा ख्याल रखा करते थे। ये जो दो बच्चे थे इस नौकर और नौकरानी के साथ शहर के मुश्तहिद जनाब मिर्ज़ा बाकर काजी की जेरे सरपरस्ती में जिंदगी गुजारने लगे। वालिद की फौतगी के कुछ अरसे बाद मकतब दाखिल हुए और फिर उसके कुछ अरसे बाद मदरसा भेज दिया गया। इसके बाद हमने अपने बाजुओं की कुव्वत से रोटी खाई। इस तवंगर ने दरवेश से कहा, हम क्यों खिदमत ना करें, क्या इसलिए कि हम काम करने की जहमत से आज़ाद हो जाएं? उसने कहा, तुम क्यों काम नहीं करोगे, काम करो ताकि खिदमत की जिल्लत से रिहाई पाओ। मोहल्ला इस तरह था कि इस दौर में तबरेज शहर के सिवाय मस्जिद कबूत की सड़क के अलावा कोई दूसरी सड़क ना थी, लिहाजा इसी वजह से सड़क को मस्जिद कबूत की सड़क नहीं कहते थे बल्कि मुख्तसर सूरत में सिर्फ खयाबान कहते थे, क्योंकि सिर्फ एक ही सड़क थी और इलाके की जदीद जगह शुमार की जाती थी, यानी मॉडर्न लोगों की जगह थी, इसे खयाबान कहा जाता था। अभी हाल में जब हम नजफ से वापस आए तो इस जगह को आज भी खयाबान कहा जाता है। मैंने सुना है कि तबरेज में ईरान के दीगर शहरों से पहले दुनियावी तालीम शुरू की गई थी। इस तरीके को उन्होंने फ्रांस से सीखा था। बहरहाल जब दुनियावी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्हें स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। तबरेज शहर में जब एक सेमिनार मुनक्कद हुआ था
इसमें तबरेज शहर का मशहूर शायर शहरियार भी शरीक था। वहाँ इसने मुझे ढूंढा, सीने से लगाया और रोने लगा। फिर बताया कि मैं तुम्हारे बाप के हमरा एक ही क्लास में होता था, हम दोनों हमदर्स थे। वो बहुत रो रहा था, जिससे मैं भी मुतासर हुआ। इस स्कूल में ये दोनों भाई पढ़ते रहे, यहाँ तक के छठी जमात वहाँ से पास कर ली और सातवीं में दाखिल हो गए। उस जमाने में सातवीं क्लास से फ्रांसवी जबान सिखाई जाती थी। इन दोनों ने भी पढ़ना शुरू कर दी। वाले साहब फ्रांसवी जबान के लिए जो मश्क लिखा करते थे वो आज मेरे पास है। सातवीं जमात ही से मौलाना बाकर काजी ने इन दोनों भाइयों को वहां से उठा लिया और हौजवी व दीनी उलूम पढ़ने की खातिर मदरसे तालबिया में दाखिल करवा दिया। सन 1297 में दीनी और अरबी उलूम की वादी में दाखिल हुआ और सन 1304 तक मतून को पढ़ने में मसरूफ रहा। इन 7 सालों के दौरान इल्मे सर्फ की किताब अमसला, सर्फ मीर, तसरीफ और नहव में अवामिल, अलमोजिज, नेज समदिया वस्यूती, जामी और मुगनी पढ़ी। इल्मे बयान में किताब मतूल, फिका में शराह, लमा और मकासिब, जबकि इल्म उसूल में मुआलिम, कवानीन, रसाइल और किफाया पढ़ी। इल्म मंतक में किताब कुबरा, हाशिया, शरह शमसिया, इल्म फलसफा में किताब शरह इशारात, इल्म कलाम में कशफ अल मुराद पढ़ी। यूं इल्म इरफान व फलसफा के सिवा मतून के दुरूस इख्तिताम पजीर हो गए। ये वो वक्त था कि जब मरहूम अल्लामा तबतबाई ने कहा कि मुझे इस इल्म के हुसूल से कोई दिलचस्पी ना थी और सर्फ व नहव समझ में नहीं आती थी। जब मैं सर्फ व नहव पढ़ रहा था उस वक्त तालीम को जारी रखने की तरफ रगबत नहीं रखता था, इसलिए जो कुछ भी पढ़ता था कुछ समझ नहीं आता था। इसी हालत में 4 साल मजीद गुजर गए। कहते हैं एक दिन मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा, अगर तुम सबक नहीं पढ़ना चाहते हो तो मुझसे कह दो ताकि मैं जाऊं अपने काम करूं। ये बात अल्लामा तबातबाई के लिए नाकाबले बर्दाश्त थी। इस बात से वो बहुत नाराज हुए। कहते हैं कि मैं खिलवत की जगह चला गया और 2 रकत नमाज अदा की और दुआ की, खुदाया मेरे मामले को एक तरफ लगा दो, अगर मुझे ये इल्म हासिल करना है तो मेरे अंदर शौक और जज्बा होना चाहिए और अगर नहीं तो मैं जाऊं कोई और काम करूं। उसके बाद खुद ब खुद परवरदिगार आलम की तरफ से अल्ताफ व इनायत का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने मुझे बदल कर रख दिया और कमाल व सआदत के हुसूल के लिए मैं अपने अंदर एक तरह की दिलचस्पी और बेकरारी महसूस करने लगा। इस तरह के उसी दिन से तहसील उलूम के आखिरी दिन तक कि जिसमें तकरीबन 17 साल लगे, कहीं भी तालीम और तफक्कुर के सिलसिले में थकावट और सुस्ती महसूस न की। दुनिया के अच्छे बुरे को भूल गया। वाकयात की कड़वाहट और मिठास मेरे लिए एक जैसी ही हो गई थी। अल्लामा ने बहुत तेजी के साथ दुरूस को पढ़ना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि अल्लामा ने मरहले सतह के तमाम दुरूस को 7-8 साल में मुकम्मल कर लिया। गैर अहले इल्म के साथ ताल्लुक और राब्ते को बिल्कुल खत्म कर दिया। नीज जिंदगी में खाने पीने, इस्तराहत और दीगर लवाजमात को कम तरीन और जरूरी हद तक ले आया और बाकी सारे वक्त में मुताला किया करता था। अक्सर ऐसा होता था, खास तौर पर बहार और गर्मियों में रात को मुताले के लिए बैठता और तुलुए आफ्ताब तक मुताला करता रहता। अगले दिन के सबक को एक रात पहले ही पढ़ा करता था। अगर कोई बात समझ ना आती तो किसी भी तरह से इस मसले को हल कर लेता। और जब मैं क्लास में हाजिर होता था, वहां उस्ताद मोहतरम जो कुछ बयान फरमाते थे मैं पहले से ही जान चुका होता था, इसलिए मैंने कभी भी उस्ताद से कोई सवाल या एतराज ना किया था। हर किसी की जिंदगी में उसकी हालात की मुनासिबत से तलखी और खुशी हुआ करती है, खूबसूरती और फीकापन होता है और बहुत सी यादें होती हैं। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही था, जहां मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यतीमी, बेवतनी, दोस्तों से जुदाई, लवाजमाते जिंदगी का ना होना, तंग दस्ती और इसी तरह की दूसरी मुश्किलात में गुजारा है। जिंदगी के बहुत से नशेबो फराज गुजरे हैं, जिंदगी के कई एक रंग देखे हैं, लेकिन हमेशा ये महसूस करता था कि कोई गैबी ताकत मुझे हर खतरनाक घड़ी से निजात दे रही है, बल्कि कोई जबरदस्त खुफिया कशिश मुझे हजारों मुश्किलात और रुकावटों से बाहर निकाल लेती है और मकसद की तरफ रहनुमाई करती है। मैं अगर कांटा हूं या फूल, हर सूरत में चमन की खूबसूरती और जरूरत हूं। مقامی بسیدم که نپوش آبرین در نفه حشمت و جا مدین از بد حادثه جا به پناه مدین رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه را مدیم سبزه خط تو دیدیم و سبستان بهشت به طلبکاری این مهگی آمدیم آب رو می رویده. علامہ 19 سال کے تھے جب مولانا قاضی نے ان کی شادی کروا دی۔ इन्हीं के ख़ानदान से रिश्ता तय हुआ, यानी तबातबाई ख़ानदान की एक लड़की थी। दोनों उम्र के अख्ताम तक साथ रहे। सन 1304 में हौजवी दुरूस के मरहले सतह को दोनों भाइयों ने मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद दीनी तालीम के सिलसिले को जारी रखने की खातिर नजफ़ अशरफ जाना ज़रूरी था, लिहाजा अल्लामा तबातबाई इनके घर वाले एक साला बच्चे के हमरा और अल्लामा के भाई
सब नजफ पहुंच गए। अली अलैहिस्सलाम उलूहियत का पाकीजा और बेकरान समंदर है। उसके साहिल पे सिर्फ प्यासा होना काफी नहीं, बल्कि उस समंदर में गर्क होना जरूरी है। इस तबरेजी सैयद में इश्क उमड़ रहा था और समंदर में डूबने का दिल रखते थे। अल्लामा के कलम से उनका अपना जिंदगी नाम। सन 1304 को अपनी तालीम मुकम्मल करने की गर्ज से नजफ का सफर किया। वहां मरहूम आयतुल्ला आकाए शेख मोहम्मद हुसैन अस्फहानी के दर्स में शिरकत की। उनके पास उसूल के खारिज का 6 साला दौरा मुकम्मल किया। इस तरह मौज़्ज़िमे ला के दर्स फिका में 4 साल तक शिरकत करता रहा। मरहूम आयतुल्ला आकाए नाइनी के दर्स फिका में भी 8 साल तक शिरकत की। इस तरह मौज़्ज़िमे ला के दरसे उसूल का भी एक दौरा मुकम्मल किया था। मरहूम आयतुल्ला आकाए सैयद अबुल हसन अस्फहानी के दरसे फिका में भी कुछ अरसा शिरकत करता रहा। इल्मे रिजाल की कुल्लियात को मरहूम आयतुल्ला आका हुज्जत कोह कमरी के पास पढ़ा। फलसफे में इस दौर के हकीम और फलासफर मरहूम आका सैयद हुसैन बातकुबाई के पास इल्म फलसफा सीखा। तकरीबन 6 साल तक मौज़्ज़िमे ला के पास तालीम हासिल करता रहा। फलसफा में उन्होंने मरहूम आका सैयद हुसैन बातकुबाई के पास दर्स पढ़ा। बातकुबाई गुज़िश्ता सदी के माहिर फलसफा में से हैं, जो कि एक जाहिद आबिद और गोशा नशीन इंसान थे। वो नजफ में बातकुबाहा के मदरसे में तदरीस किया करते थे। ये इनके साथ हो गए और फलसफे में शरह इशारात असफार, शरह हिदाया असीरी, शरह हिदाया इबन मुकल्ला वगैरह वगैरह उनके पास पढ़ा और इसके अलावा कुछ और किताबें भी पढ़ी। हमें चाहिए कि इन उलूम के ज़रिए खुदा की रज़ाइत को हासिल करें, जो कुछ खुदा की मर्जी है इसके बारे में तहकीक कर सकें, और ये इंतहाई बुलंद मर्तबा मकसद है। उनमें अकलानियत की सलाहियत पाई जाती थी। इसमें कोई फ़र्क नहीं है हर जवान के जिसके अंदर ये कशिश मौजूद हो किसी इत्तफाक के ज़रिए। अलबत्त उसके हिस्से जस्तजू भी अहम है। सिर्फ इत्तफाक ही नहीं है, बल्कि ये शख्स जस्तजू गर है। जो शख्स हसास और अकलानी फिक्र करता है वो जरूर जस्तजूगर होता है। कहीं कोई उस्ताद ऐसा मिलता है जो उसके रास्ते में आता है कि जिनका नाम बातकुबाई था, वो फिलोसोफर थे। मैंने बातकुबाई को नहीं देखा और उनके नजरियात को भी नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा गुमान ये है कि वो अल्लामा तबतबाई तक नहीं पहुंच सकता था। कभी शागिर्द ऐसा होता है जो फिक्री सलाहियत में उस्ताद से आगे होता है। जब उन्होंने किताब असफार उस्ताद के पास पढ़ी और माकूलात की बहस में वारिद हुए, आलम अक्ल व फलसफा के मैदान में दाखिल हुए, तो वहां वो खुद एक समुंदर में मौजज़न हो सकते थे। उनकी अंदरूनी हालत में जोश आ गया। हम देखते हैं कि उनके रास्ते में जनाब बातकुबाई आए और कुछ महदूद वक्त तक उनके पास अल्लामा ने माकूलात का दर्स हासिल किया, लेकिन इसी तालीम ने उन्हें मुसख़र कर लिया, मशहूर कर लिया। एक शख्स जिसने फिका पढ़ी है, उसूल पढ़ा है और अल्लामा तबतबाई की अदबियात भी बेमिसल थी। अदबियात अरब वगैरह सब बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने अपनी गुमशुदा चीज को अक्लियात में तलाश कर लिया था। दूसरी तरफ उनके अपने अंदर भी एक कशिश और कोशिश थी। वो खुद फिक्र करने वाले शख्स थे। उस वादी में दाखिल होने के लिए उस्ताद की तालीम सिर्फ एक दरवाजा था।
अक्सर ऐसा होता है कि किसी शख्सियत के लिए गैर मुनासिब माहौल होने के बावजूद जब उसे कोई दरवाजा नजर आ जाता है तो वो उसकी तरफ चला जाता है। जैसे मुल्ला सदरा के दौर में मीर दामाद के हौजे में, जहां उनके शागिर्दों में से एक मुल्ला सदरा हैं, वहां इस्फहान के हौजे में बहुत से लोग दर्स में शिरकत करते थे। उस वक्त में भी अकलानियत के खिलाफ फजा साजी थी, अगरचे कम थी लेकिन फिर भी मौजूद थी। उस माहौल में एक फर्द मुल्ला सदरा बना। मुल्ला सदरा के बहुत से करीबी साथी थे, कई एक दोस्त थे। मुल्ला सदरा के हमरा बहुत से लोग दर्स में शिरकत किया करते थे, लेकिन सारे मुल्ला सदरा नहीं बने। वो उनकी अपनी जाती सलाहियत थी कि जिसने अपनी गुमशुदा चीज को तलाश कर लिया था। मुल्ला सदरा उससे कहीं ज्यादा जो मीर दामाद के दर्स में था, न सिर्फ मीर दामाद के हौजे से ज्यादा था, बल्कि यकीनन वो मीर दामाद से भी आगे थे। वो अपने उस्ताद से भी ज्यादा बासलाहियत थे। जो कुछ उसने अपने उस्ताद से सीखा वो एक मुअय्यन मिकदार में था, लेकिन एक चीज उसकी अपनी जाती सलाहियत थी जो शोलावर हुई और वो आगे से आगे बढ़ता रहा। आखिर मुल्ला सदरा हो गया। इसी तरह अल्लामा तबतबाई हैं, उनके उस्ताद उनसे बालातर नहीं हैं। ठीक है, हौसे में थे, मुमानियत भी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर की सलाहियत शकूफा हो चुकी थी। उनका सोज दिले आरिफाना था, जिसकी जनाब काजी के हां परवरिश हुई थी। आरिफाना दिल के साथ साथ फलसफी ताखुल भी रखते थे। زمایم دیگری هم بینا داشتن که غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت در دنیا به نظرم بهترین استاد بود ریاضیات خوندیم پیشش در نجف تحصیل میکردیم علامہ طباطبائی کے استاد جناب باد کوبائی نے فرمایا تھا آپ ریاضی کا علم سیکھیں۔ ان کے استاد آقا ابو القاسم خونساری تھے، آیت اللہ خونساری بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے بھی یہاں تہران میں ہیں۔ وہ بلند مرتبہ شخصیت تھے اور ریاضی میں ایک موجد تھے۔ بغداد کے کچھ بڑے بڑے دانشور بھی ان سے ریاضی کے مسائل حل کروایا کرتے تھے، ان سے ریاضی کے سوالات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس وقت کم ہے، پھر مشکل سے ظہر کے بعد ایک دو بجے کا وقت دیا اور فاصلہ بھی بہت دور تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نجف میں گرمی کے وقت تہخانے میں جائیں تو گرمی سے بچ سکیں گے۔ تبریز کا رہنے والا اور نجف کی گرمی، آپ اندازہ کریں 2 سال تک علامہ وہاں مسلسل جاتے رہے۔ وہ بتاتے تھے سر سے چلتا ہوا پسینہ ہمارے جوتے تک چلا جاتا تھا۔ ریاضی کا خشک مضمون، مشکل ترین وقت، ان حالات میں علامہ نے ریاضی کا علم سیکھا۔ علم سے عشق تھا، جو کہ مومن کی علامت میں سے ہے۔ علم کے بارے میں حریص ہوتا ہے۔ اسلام میں علم کی بہت قدر ہے۔ اسلام سے زیادہ کسی مذہب نے حصول علم پر تاکید نہیں کی۔ افضل الاعمال العلم، یعنی علم کی قدر ہے۔ اب جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ سال میں کچھ راتیں وہ صبح تک کام کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی سے ایک سوال پوچھا، وہ آدمی اس کے بجائے کہ مجھے مشقی سوال کا جواب دے، میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور تمسخر کرنے لگا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، میں نے سوال کا جواب نہ چاہا اور اس کے بعد پختہ ارادہ کر لیا اور ذہن میں یہ بات بیٹھا لی کہ آئندہ ساری زندگی کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میں گھر چلا گیا اور 3 دن تک مسلسل اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا اور بالآخر جواب تلاش کر لیا۔ اس دن کے بعد سے پھر کبھی میں نے کسی سے سوال نہیں پوچھا۔ علامہ بہت زیادہ محنتی انسان تھے۔ کہتے تھے جب تک نجف میں رہا تب تک میں دوست آشنا اور خاندان والوں سے دور ہو گیا، کیونکہ وہاں میرا صرف ایک ہی مقصد تعلیم حاصل کرنا تھا۔ آج تک آزاد فکر علامہ طباطبائی سے زیادہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ لوگوں کے
اور اپنے درمیان کسی بھی قسم کے فرق کے قائل نہ تھے۔ مجھے آج تک یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی انہیں نیا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو حقیقتاً وہ نماز میں محو ہوتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں ان کے اجداد و طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ